एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2015 नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है. क्वेश्चन में एक कॉन्ग्रेंट इक्वेशन दी हुई है, ए टू द पावर 24 कॉन्ग्रेंट टू 6a प्लस 2 मोड ऑफ 13. अब आपको इसके सॉल्यूशंस के बारे में देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा. पहले ऑप्शन में a इक्वल टू 41, सेकेंड में 47 ले रहा है, और थर्ड ऑप्शन में 63 ले रहा है, और फोर्थ ऑप्शन में 83 वैल्यू ले रहा है. ठीक है, तो अगर मैं मान लो a इक्वल टू 41 ले रहा हूँ, तो दिस क्वांटिटी कॉन्ग्रेंट टू मोड ऑफ 13 अगर करूँगा, तो 13 से डिवाइड करूँगा तो ये 2 आ जाएगा. ये क्लियर है? और अगर मैं यहाँ 41 टू द पावर 5 13 करूँगा, क्योंकि ये नंबर इससे को प्राइम है, तो आयलर्स थ्योरम से 5 13 यानी कि 12, वो क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 12 मोड ऑफ 13. और ये मैं 12 पावर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आयलर्स थ्योरम से ये 2 जो है वो 13 के को प्राइम है, तो यानी कि ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, मोड ऑफ 13. तो 12th पावर करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, 41 टू द पावर 12 करने पे आइडेंटिटी. तो 41 टू द पावर 24 कॉन्ग्रेंट टू क्या आएगा, 1 मोड ऑफ 13 आ जाएगा. ये क्लियर है? अब अगर मैं पी ऑफ एक्स डिफाइन कर लेता हूँ, विच इज एक्स टू द पावर 24 माइनस 6x माइनस 2. अगर a कॉन्ग्रेंट टू b है, या वेट यहीं से द्वारा करते हैं, 41 जो है वो कॉन्ग्रेंट टू 2 मोड ऑफ 13 है. ठीक है, अगर मैं ये लिखता हूं कि a कॉन्ग्रेंट टू b मोड ऑफ n है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो p ऑफ a होता है वो कॉन्ग्रेंट टू p ऑफ b मोड ऑफ n होता है. ये यूज कर सकते हैं, तो ये यही यूज करना है. 41 कॉन्ग्रेंट टू 2 मोड ऑफ दिस है, तो इसका मतलब 41 टू द पावर 24 माइनस 6 टाइम 41 माइनस 2 कॉन्ग्रेंट टू क्या देगा, 2 टू द पावर 24 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 2, और 2 टू द पावर 24 मोड ऑफ 13 करूंगा, तो आयलर्स थ्योरम से ये वैल्यू 1 माइनस 12 माइनस 2, तो ओवरऑल क्या आ गया, माइनस 13 मोड ऑफ 13, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, 0. और अगर ये क्वांटिटी 0 है तो मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो पहला ऑप्शन ट्रू हो गया. सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन में 47 कॉन्ग्रेंट टू 8 मोड ऑफ 13 लिख सकता हूं मैं. ठीक है, तो इसका मतलब p ऑफ 47 कॉन्ग्रेंट टू p ऑफ 8 मोड ऑफ 13 होगा, और p ऑफ 8 का मतलब है 8 टू द पावर 24 माइनस 6 इंटू 8 माइनस 2 मोड ऑफ 13. 8 जो है वो 13 के को प्राइम है, तो 8 टू द पावर 12 क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रेंट 1 मोड ऑफ 13, तो 8 टू द पावर 24 करूंगा तो वो भी 1 ही रहेगा, तो ये क्वांटिटी 1 आ गई, माइनस 48 आ गया, माइनस 2 आ गया. ठीक है, तो ये माइनस 50, तो ओवरऑल क्वांटिटी 49 मोड ऑफ 13, और 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. इसी टाइप से 63 का मॉडुलस यूज कर लीजिए और 83 का मॉडुलस यूज कर लीजिए. 63 को 13 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, तो पूरा प्रोसेस ये हो जाएगा. तो आपका ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा और ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, प्रोसीजर सेम है. ठीक है, तो आपको ये नहीं करना कि 41 की पावर 24 करके देन 13 से डिवाइड करते रहो, 41 को पहले 13 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर टर्म है उसकी पावर 24 पे काम करो. ठीक है, तो फाइनल आंसर शुड बी ए एंड सी आंसर.